हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है IGI एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कस्टमर सर्विस एजेंट यानी CSA की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 1074 मतलब 1074 पोस्ट रहने वाला है। तो आगे बताऊंगी इसकी सारी डिटेल्स, लेकिन अगर अभी आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर अप्लाई करने का लिंक चाहिए तो दोनों चीज़ अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, देखिए, इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने की जो डेट है ना, लास्ट डेट आपका 7 जुलाई रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म बहुत पहले से अप्लाई हो रहा है, इसके लिए लास्ट डेट 22nd of May था, लेकिन इसको बढ़ा के 7 जुलाई कर दिया गया। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दे। एज की लिमिट की बात करें तो इसके लिए 18 to 30 years मतलब 18 वर्ष से 30 वर्ष उम्र की सीमा होगी। क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल डिमांड किया गया है, 10+2 यानी जिन्होंने भी इंटर पास कर रखा है। डजंट मैटर व्हाट इज योर स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो अपीयरिंग कैंडिडेट है 12th के लिए वो भी अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहेगा। इसके लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई करेंगे। साथ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एविएशन या फिर एयरलाइन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास हो, फ्रेशर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म की जो फ़ी रहेगी 350 यानी ₹350 है, तो फॉर्म फी भी आपसे ज़्यादा डिमांड नहीं किया गया। अब देख लेते हैं कि 1074 पोस्ट के लिए सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, किस स्टेज से गुजरेंगे तब जाके आपका चयन हो पाएगा। सिलेक्शन बहुत सिंपल है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसको पास करना है। देन आपका इंटरव्यू होता है यानी पर्सनल इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना होगा, फिर आपका कॉलिंग लेटर सेंड किया जाएगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस को इन डिटेल। देखिए, एग्जाम जो होगा आपको पहले पता है कि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फॉर 100 क्वेश्चन विच विल बी फॉर 100 मार्क्स मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है, 100 प्रश्न 100 नंबर के लिए। टाइम जो होता है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय होता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई भी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अब सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें, जनरल अवेयरनेस से 25 यानी 25 क्वेश्चन, एविएशन नॉलेज के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद रीजनिंग और एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो एविएशन का, तो उसको आप अलग से प्रिपेयर करिएगा। अदरवाइज जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं सब कुछ सेम ही रहेगा। एग्ज़ाम का लेवल 12th लेवल होगा, आसान होगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू है, आपसे आपकी पर्सनल जानकारी, समझिए कि एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ के साथ करा लिया जाता है। अब देखिए, इसका जो एग्ज़ाम सेंटर होता है ऑल ओवर इंडिया में होता है, तो आपके स्टेट के लिए कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये लिस्ट आपको नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो कहाँ के लिए आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि IGI एविएशन सर्विसेज यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी रहेगी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो आपका है इंटरनेशनल, न्यू दिल्ली, दिल्ली के अंदर में रहेगा, इंडिया में ही आपका ये पड़ता है। ये तो सबको पता है कि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। आई होप कि आप ये सारा प्रोसेस समझ गए होंगे। तो जब आप जॉब करेंगे तो सैलरी क्या मिलती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन का वे होता है कैंडिडेट्स के लिए। आपकी जो सैलरी होती है ना, 25,000 से 35,000 के बीच में शुरुआत में दी जाती है, बाद में सैलरी बढ़ता भी है, प्रमोशंस भी होते हैं इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए।
देखिए आपकी जो सैलरी है ना 25,000 से 35,000 के बीच में डिपेंड किस चीज पे करेगा, आप जो इंटरव्यू देंगे, आप क्या स्कोर करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू में जितना बढ़िया कर सकेंगे उतना अच्छा आपको सैलरी दिया जाएगा। तो अभी इस पोस्ट की सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। अब भी कुछ पूछना है, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।